एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका स्वागत है। फिर से कुछ नई बातें, नए कॉन्सेप्ट और नए लर्निंग के साथ में लेकर आए हैं आज आपके लिए द विजार्ड, यानी कि द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ निकोला टेस्ला, जिसे लिखा है मार्क सिपर ने। तो अगर इस किताब की बात करें तो आप निकोला टेस्ला के बारे में क्या जानते हो? कहीं आप भी तो उसे एक क्रेजी जीनियस नहीं समझते हो, जिसे कबूतर से बड़ा प्यार था और जिसे एलियन से कम्युनिकेट करता था। एक ऐसा पागल साइंटिस्ट जिसने डेथ रिलेट क्रिएट की थी, लेकिन गरीबी और भुखमरी ने उसकी जान ली थी। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ला वर्ड के, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस किताब में हम पढ़ेंगे कि टेस्ला अपने नाम को सार्थक करती है। निकोला टेस्ला वो इंसान है जिनके बदौलत हम आज अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, चाहे टीवी, सेलफोन चार्जर्स या एसी चलाना हो। हम जो इलेक्ट्रिसिटी घर पे, अपने ऑफिस और शॉपिंग मॉल्स में यूज कर रहे हैं, ये सब निकोला टेस्ला की वजह से ही मुमकिन हुआ है। टेस्ला के टाइम पर थॉमस एडिसन ने डायरेक्ट करंट एडिशन का सोर्स किया था। तो थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हाउस होल्ड के लिए एक लैब बनाया था, लेकिन ये लैब ना आई थिंक शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्यूज हो जाया करता था और इनसे शॉर्ट डिस्टेंस तक की लाइट ही हुआ करते थे। इसके अलावा इसमें एक कम्युनिकेटर और नज़दीकी पावर स्टेशन की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी टेस्ला का मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेंशन है। वो पहला इंसान था जिसने वायबल एसी सिस्टम क्रिएट किया था। उसके रोटेटिंग मैग्नेट मैकेनिज्म से एसी का स्मूथ और कंटिन्यूस फ्लो पॉसिबल हो पाया था। उसने ही सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पोस्ट का इस्तेमाल प्रपोज्ड किया था, जिसे कई मील दूर एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से भी पावर दी जा सकती थी। वैसे एसी के अलावा टेस्ला ने कई और भी अमेजिंग इन्वेंशन क्रिएट किए हैं। तो कुल मिलाकर के उसके खाते में 300 पेटेंट्स आते हैं, लेकिन इतना सब उसने किया कैसे? उसके मोटिवेशन का सोर्सेस क्या था? और तो और टेस्ला के जीनियस ब्रेन का सीक्रेट क्या था? उसकी लाइफ स्टोरी कैसी थी? ये सारे सवाल हमारे माइंड में जो आ रहे हैं, उन सभी के जवाब आज इस बुक में मिलेंगे। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं बचपन से, चाइल्डहुड से। निकोला टेस्ला मिलोजिन क्रोटिया एक फार्मर फैमिली से पैदा हुए थे। उनके फादर मिलोतिन एक पैरेट्स प्रिस्ट थे और उनके मदर दजोगा अपने फैमिली फार्म की देखभाल करती थी। उनके पास कई सारे जानवर और नौकर चाकर थे। निकोलस के दोनों पेरेंट्स अमीर फैमिली से थे। वो अपने 5 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। निको से बड़ा एक भाई था डैन और 3 सिस्टर्स थे। दोनों भाई मिलकर के काफ़ी सतानियाँ करते थे। दोनों अक्सर अपने विलेज के छोटे से तालाब में स्विमिंग करने जाया करते थे, जहाँ पर वो फ्रॉक्स पकड़ते और छोटे मोटे इन्वेंशंस भी करते थे, जिसे वाटर वेल्स बनाना, बर्ड्स पकड़ने के लिए स्नेयर्स बनाना और फिश हुक बना करके फिश पकड़ना। निकोलस जब छोटे थे तो उन्होंने मकाब नाम करके एक बिल्ली पाली थी। वो अपने बिल्ली के साथ घास पर लोट पोट होते और खूब हंसते थे। निकोलस को मकाक से काफ़ी प्यार था। वो प्यार से वो उसके पीठ को सहलाया करते, और उन्होंने एक दिन देखा कि जब वो मिल्ली के पैर पर हाथ फेर रहे थे तो उनकी हथेली पर कुछ स्पार्क हुआ। उनके फादर ने कहा कि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, जैसे कि बिजली चमकती है। तो कुल मिलाकर के निकोलस का बचपन बड़ा खुशहाल बीता था, बड़ा हैप्पीली बीतता था। उन्हें अपने फार्म और वहाँ के जानवरों से बड़ा प्यार था। उनके पास भेड़, चिकन्स, गीज जैसे बहुत सारे जानवर थे जिनके साथ वो अक्सर खेला करते थे। लेकिन निकोलस जब 7 साल के थे तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। उनके बड़े भाई डैन के घोड़े की पीठ से गिरने की वजह से डेथ हो गई थी, और ये फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। डेल उनका लाडला बेटला था। डेल की मौत का सदमा सबसे ज़्यादा उनकी माँ को लगा था, इसीलिए निकोलस ने एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया। अपने भाई की मौत का बर्डन उनके साथ जिंदगी भर रहा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टेस्ला में न्यूरोटिक टेंडेंसी की वजह से कहीं ना कहीं ये वजह थी कि उन्हें बचपन में माँ का प्यार नहीं मिल पाया। निकोलस अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी अटैचमेंट फील नहीं कर पाए थे। उन्हें हमेशा ये फील हुआ कि उनके पेरेंट्स उन्हें कम प्यार करते हैं, और उस पर पे सबसे बड़ा दुख उन्हें तब हुआ जब उनकी फैमिली ने अपना फार्म वाला घर छोड़ने का फैसला किया। उनके फादर्स को सिटी ऑफ कॉस्पिक में नौकरी मिल गई थी, और यहीं पर ही निकोलस की स्कूली पढ़ाई स्टार्ट हुई। वो बचपन से ही फिजिक्स में जीनियस थे, और इलेक्ट्रिसिटी तो उन्हें बहुत ही हैरान करते थे। और निकोलस बैटरीज, मोटर, इंडक्शन कोयल और मोटे टर्बाइन्स के साथ में एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, और इसीलिए उन्होंने 4 साल की बजाय सिर्फ 3 साल में ही अपना हाई स्कूल कम्प्लीट कर लिया था।
ग्रेजुएशन के बाद निकोलस को कोलेरा हो गया था। तब ये बीमारी कॉस्पिक सिटी में एपिडेमिक की तरह फैली हुई थी। लोगों को लगता था कि कोलेरा पानी से नहीं बल्कि हवा से फैलता है, इसीलिए सिचुएशन और भी ज़्यादा बेकार हो रही थी। निकोलस पूरे 9 महीने तक बीमार रहा। वो बिस्तर पर थे और ऑलमोस्ट मरने की हालत में पहुँच चुके थे। इसी बीमारी की वजह से उनकी इसी दौरान उन्हें इंजीनियर बनने की परमिशन दी थी, क्योंकि मेलोडिन चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह एक पिस्ट बने। लेकिन उन्हें खोने के डर से वो निकोलस को पॉलिटिकल स्टूल गराज ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए तैयार हो गए। तो ये था सफ़र स्कूल तक। आगे बात करें अगर कॉलेज की, तो टेस्ला ने केमिस्ट्री, फिजिक्स, कैलकुलेटर, मशीनरी और इंजीनियरी फ्रेंच के अलावा बाकी और सब्जेक्ट के क्लास लेने स्टार्ट कर दिए थे। उनके कैलकुलस के लेक्चरर्स प्रोफेसर एलन ने उनकी प्रोग्रेस स्पीड देखी थी, इसीलिए वो उन्हें कभी कभी सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी देते थे। टेस्ला क्लास में 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठते थे। वैसे तो उनका मेन फोकस इंजीनियरिंग पर था, लेकिन उन्हें बाको लैंग्वेजेस को भी सीखा। टेस्ला 9 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। उन्होंने फ्रेशमैन ईयर सारे सब्जेक्ट में A+ से पास किया। उनके टीचर उन्हें स्पेशल अटेंशन देते थे, इसलिए कई बार क्लास के कुछ स्टूडेंट उनसे जलते भी थे। एक दिन फिजिक्स की क्लास में उनके साथ एक लाइफ चेंजिंग घटना घटी। एक डायरेक्ट करंट ड्रामे डायनेमो पेरिस से आया। उसने अपने मॉडर्न इक्विपमेंट क्लास के सामने प्रेजेंट किया और एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। अपने नेचुरल स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिंग होती है, जैसे कि कोई नदी ऊपर से नीचे फिर से ऊपर की तरह बहती है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हर सेकंड तेजी से डायरेक्शन चेंज करता है, और इसीलिए मशीन में कम्यूनेटर होते हैं। ये स्मॉल वायर्स की सीरीज है जिससे इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। फिजिक्स के प्रोफेसर प्राउडली अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तभी टेस्ला ने हाथ उठाया और सवाल पूछा, अगर इलेक्ट्रिसिटी को इसके नेचुरल अल्टरनेटिव फॉर्म में यूज किया जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर हमें पता चले कि हम कम्यूनेटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है? टेस्ला के इस तरह सवाल पूछने से प्रोफेसर का ईगो हर्ट हो गया था, इसीलिए उन्होंने टेस्ला को गलत साबित करने के लिए मशीन से कम्यूनेटर का प्लग निकाल दिया। मशीन बंद हो गई और उस दिन से टेस्ला AC बनाने के पीछे पड़ गए थे। वो दिन रात यही सोचते रहते थे कि मोटर्स को बिना कम्यूनेटर के कैसे चलाए जाए। अपने 3rd ईयर में आते आते टेस्ला बोर हो चुके थे। अब वो क्लासेस अटेंड करने के बजाय लॉन्च में दोस्तों के साथ कार्ड्स और चेस खेलते थे। वो बेलियर्ड बड़ा अमेजिंग खेलते थे और अपनी पॉकेट मनी उसी में खर्च कर देते थे। टर्म के एंड में टेस्ला ने फाइनल किया कि कॉलेज ड्रॉप करना था। उस टाइम पे उनके फादर की डेथ हुई, तो टेस्ला को मजबूरी में नौकरी ढूंढनी पड़ी और उन्हें बुडापेस्ट हंगरी में अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज में जॉब मिल गई। यहाँ पर टेस्ला ने खंभों में चढ़ करके लाइन टिंक करने का काम सीखा, और वो मैकेनिक तो थे ही, साथ ही साथ एक मैथमेटिशियन भी थे। टेस्ला ने इंडक्शन का कॉन्सेप्ट सीखा, जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज के साथ दूर से किसी दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट किए बगैर ही इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अपने फ्री टाइम में टेस्ला अंतोनिस के साथ में घूमते थे, जो कि उनका फॉर्मर क्लासमेट था। अब वो वर्कमेट बन गया था। वैसे AC पर उनका काम अभी भी जारी था। AC कैसे काम करता है ये जानने के लिए टेस्ला ने कई सारे DC मशीन्स को तोड़े और फिर से बनाया। इस चक्कर में वो ना ढंग से ना खाते थे और ना ही सोते थे। फिर एक दिन उनकी बॉडी ने गिव अप कर दिया। उनकी पूरी बॉडी बुरी तरीके से अकड़ गई थी और उनका सर दर्द से फटा जा रहा था। उन्हें लगा कि अब वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनके दोस्त स्केटी उनके हेल्प के लिए आया। उन्होंने टेस्ला को एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज किया। एक दिन पार्क में वर्क करते हुए टेस्ला को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। उन्हें आइडिया आया कि AC को कैसे चलाना है। उन्होंने तुरंत अपना आइडिया वहीं पर ही साइड में एक लकड़ी से लिख लिया। टेस्ला की इस फेमस डायग्राम को मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन कहा जाता है। DC में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए एक सर्किट होता है। AC के लिए वो सर्किट दो सर्किट यूज किए। इमेजिन कीजिए कि रोटेटिंग सर्कल एक के ऊपर रख दिया है। हर सर्कल में दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पर 4 मैग्नेट्स लगते हैं और हर एक मैग्नेट दूसरे वाले को एक इंडक्शन के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा है, और सर्कल का रोटेटिंग मोशन इलेक्ट्रॉन्स को घुमाएगा, चाहे चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव। टेस्ला ने पता लगाया कि ये आइडिया हर तरीके के इक्विपमेंट का काम कर सकता है। वो अपने माइंड पर मोटर्स चलते हुए देखते थे, फिर वो उसे ड्रॉ कर लेते और फिर अपने नोटबुक पर मैथ कर लेते। इसी बीच टेस्ला और स्केटी दोनों को पैलिस की एडिशन जॉब का ऑफर मिला, जिसे उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये था कॉलेज का सफर, और आगे हम बात करते हैं टेस्ला मेक्स द विजिट ऑफ मैंगलोर।
तो यहाँ पर 1880 के दौर में इन कंडीशन ग्राम एक रेवोल्यूशन बन के आए जिसे थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था। उसके पहले घरों में, सड़कों पर, रेल रोड्स और बाकी जगहों में गैस लैम्प यूज होते थे, लेकिन एडिसन के इस कंडेंसिंग लैम्प ने अमेरिका और यूरोप के लोगों के लाइफस्टाइल को इंप्रेस कर दिया था। टेस्ला यहाँ की जगमगाता सिटी लाइफ को देखकर के हैरान थे। टेलिस को एडिसन कंपनी में जॉब मिल गई जिसे चार्ल्स बेस्लर और मैनेज करते थे। बेस्लर ने टेस्ला की इनक्रेडिबल स्किल्स देख करके जॉब ऑफर की और कुछ टाइम बाद उनको न्यूयॉर्क भेज दिया। टेस्ला को ईडी सोर्सिंग फैसिलिटी में रखा गया था जहाँ पे लाइफ और जनरेटर्स बनते थे। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में टेस्ला की इंजीनियरिंग में यहाँ पे बहुत रेस्पेक्ट मिली। उन्होंने ओपेरा हाउस, थिएटर्स, रेल रोड स्टेशन और कैफे, इन सभी जगहों में लाइटनिंग इंस्टॉल की। उन्हें काम के लिए पेरिस, बवारी और बर्लिन भी भेजा गया था। तो 1883 यानी कि 1883 में अचलर ने टेस्ला को स्टोर्ज बाग प्लांट में इलेक्ट्रॉनिक लाइन्स इंस्टॉलेशन का काम सौंपा। तो यूं ही काम करते करते टेस्ला को जब भी चांस मिलता वो अपने एसी प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट में जुड़ जाते थे। उनके दोस्त अब उनके असिस्टेंट बन गए थे। उन्होंने एक डिस्क बनाई, उन्होंने उसे कोयल से कवर कर दिया, फिर उन्होंने एक सिर्फ नीडल्स पर चढ़ा दिया। टेस्ला को फाइनली अपना आइडिया पूरा होते दिख रहा था। जब उन्होंने स्विच टर्न किया तो विस्क घूम रही थी और अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रही थी। तो 1884 में यानी कि 1884 में टेस्ला न्यूयॉर्क पहुँचे। उस टाइम पे वो 28 साल के थे। उस दिन ग्रोटेन बैच बनकर के तैयारी हुआ था और उस पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रखा गया। तब एडिशन के लैम्प ने मैंगलो पार्क को रोशन कर दिया था जहाँ उसका उस टाइम पर न्यूयॉर्क के सबसे अमीर लोग के घर। इसलिए थॉमस एडिसन पर को विजर्ड ऑफ मैंगलो आर्ट भी बोला जाता है। उन्होंने उस वॉलस्टिंग की बिल्डिंग को लाइट प्रोवाइड की और उन्होंने जाने माने ब्लॉगर को भी लाइट प्रोवाइड की। फाइनली टेस्ला की मुलाकात थॉमस एडिसन से हुई। वो उनसे सेंट्रल स्टेशन के पास में न्यू लेबोरेटरी में मिले थे। एडिसन से उनसे पूछा कि क्या कभी तुमने इंसान का मांस खाया है। ये बात उन्होंने इसलिए पूछी थी कि टेस्ला का बर्थ प्लेस सुलिजन फ्लैंड सर्वेनिया के पास था जो कि वैम्पायर की जगह मानी जाती है। तो टेस्ला एडिसन को इस बात के लिए बड़ा एडमायर करती थी कि उन्होंने बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के इतना कुछ अचीव कर लिया था। मगर वो जल्दी ही उन्हें विजर्ड ऑफ मैंगलो पार्क के कमजोरी पता चल गए। एडिसन एक्सपेरिमेंट करते टाइम बहुत से ट्रायल करते और उनसे गलतियां भी बहुत होती थी। इस वजह से उनका काफ़ी टाइम और उनकी मेहनत वेस्ट होती थी। टेस्ला ने सोचा कि एडिसन ने भी उनकी तरह सेम एजुकेशन ली है तो उन्हें अपनी इन्वेंशन इजीली कर लेने चाहिए थे। अगर वो कुछ कैलकुलेशन और फिजिक्स की थ्योरी यूज करते तो वो शायद इतनी मिस्टेक्स नहीं करते वो जो उन्होंने की थी। पैसा लगता था जैसे कि वो घास के ढेर में सुई ढूंढ रहे हो। एडिसन ने इतने सक्सेसफुल इन्वेंशन किए थे ये बात टेस्ला को किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही थी। खैर टेस्ला न्यूयॉर्क में अपना लास्ट इंस्टॉलेशन और जीसी जनरेटर फिक्स करते काम करते रहे। उन्होंने रेगुलेटर, आउटलाइंस और कम्यूटेटर्स में कुछ इम्प्रूवमेंट भी किए थे, इसीलिए उन्होंने अपना ये वर्क मेंटेन करा लिया था। वो अपना इंडक्शन एसी मोटर का आइडिया लेकर के एडिसन को बेचने आए थे लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर लिया। थॉमस एडिसन ने टेस्ला को कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट के लिए $50,000 देने का फैसला किया। टेस्ला ने रीडिजाइनिंग का काम फिनिश करने के बाद अपने पेमेंट मांगे तो एडिसन हंसने लगे। उस ओल्ड विजर ने बोला कि तुम अभी भी 1% हो, तुम कभी भी एमरेन जॉब सीट नहीं कर सकते। टेस्ला ने जॉब छोड़ दी और वो वहाँ से चले आए। इसके बाद आगे जर्नी बढ़ती है लिबर्टी स्थिति के साथ। टेस्ला ने जो धोखा पाया था ये दोनों थे रॉबर्ट पेन और पिए। ये दोनों ही टेस्ला के पास में न्यू जर्सी राह में एक लाइटनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने का प्रपोजल लेके आए थे। प्रपोजल ये था कि कंपनी में टेस्ला का नाम यूज होगा और स्टॉक्स में उनका भी हिस्सा होगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि उन दोनों ने प्रॉमिस किया था वो प्रोजेक्ट के बाद उनका एसी मोटर डेवलप करेंगे और इस वजह से टेस्ला बड़ी मेहनत से रावे टाउन के आर्ट लाइनिंग स्टॉल को काम करने के पे जुट गए। उन्हें उसके लिए कुछ टाइम वहाँ स्टे भी करना पड़ा और ऑलमोस्ट हर सड़क पर लाइट इंस्टॉल किए। उनके ब्रिलियंट इंजीनियरिंग की बहुत तारीफ हुई और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैगजीन में भी छापा गया था। इसे टेस्ला लाइफ एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एडवर्टाइजमेंट भी था। लेकिन हुआ ये कि प्रोजेक्ट के ख़त्म होते ही ले और वेल ने उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया। उन्होंने टेस्ला से जितना प्रॉमिस किया था झूठा प्रॉमिस था कि एसी मोटर के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने पूरे
पूरे लाइट की लाइटनिंग करवा ली टेस्ला से और उनसे पीछा छुड़ा लिया। अब यहाँ टेस्ला के पास एक भी पैसा नहीं, उन्हें मशीन बनाने की फुर्सत ही नहीं कि कभी वो पैसे या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सोच पाते। मजबूरी में उन्हें एक डिश देकर बनना पड़ा है। डिश फॉरमन जब वो हैरान हो गया कि एक अच्छा दिखने वाला वेल ड्रेसअप आदमी उसके पास काम लेने के लिए आया। खैर उसने टेस्ला को काम के पे रखा और डॉलर दिया जब उसका काम ख़त्म हुआ, लेकिन उस पर टैलेंट दिख रहा था इसलिए वो कंप्यूटर इंजीनियर अल्फ्रेड ब्राउन के पास ले गए। एक्चुअली ब्राउन ने टेस्ला के बारे में उनके एसी के मोटिवेशन के लिए पढ़ा था, तो उन्होंने ब्राउन जानते थे कि क्योंकि डायरेक्ट करंट एनर्जी एफिशिएंट नहीं होती, इससे अक्सर स्पार्क और शॉर्ट सर्किट होते थे। तो ब्राउन को टेस्ला के एसी मोटर्स में पोटेंशियल दिख रही थी, इसलिए उसने रॉयल चेस्पेक से हेल्प करने को बोला। लेकिन टेस्ला ने चोल्सपेक को अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए कैसे मना लिया, ये है सवाल। एक्चुअली में टेस्ला ने लॉयर को एक ऑफ कोलंबस के बारे में बताया। बात ये थी कि क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में एक मिथ स्टोरी थी कि एक बार उन्होंने अपने क्रिटिक्स को चैलेंज किया कि वो अंडे को बिना किसी सपोर्ट के खड़े करके दिखाए। उनके क्रिटिक्स ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो हार गए। तब कोलंबस ने अंडे के बॉटम में काफ़ी छोटा सा क्रैक किया और उसे स्प्लिट खड़ा करके दिखा दिया। और जब उन्हें क्वीन एजाबेला और स्पेथ ने अपने दरबार में ये कर्तव्य दिखाने के लिए बोला, तो कोलंबस इस शर्त पर माने कि उन्हें अटलांटिक क्रॉस करने के लिए फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा। तब टेस्ला ने पैक से पूछा कि क्या वो भी उन्हें ऐसे ही हेल्प करेंगे जैसे क्वीन इजाबेला ने कोलंबस को हेल्प की थी। इस पर पैक ने कहा कि उनके पास इतना बड़ा खजाना तो नहीं है, लेकिन हाँ वो कुछ लोगों को फ़ोन करके हेल्प मांग सकते हैं। पैक के साथ मीटिंग के बाद टेस्ला ने एक अंडा बॉयल किया और लोहार के पास गए। उन्होंने उसे एक ब्रास और आयरन का एग बनाने बोला। अपने लैब में वापस आकर के उन्होंने एसी पॉलीफिक सर्कल को एक सर्कल के साथ जोड़ा। टेस्ला ने मेटल का अंडा सेंटर पर रखा और इलेक्ट्रिसिटी टर्न कर दी। अंडा घूमने लगा। पहले ये घूमता रहा लेकिन जब रोटेशन स्पीड पकड़ी तो अंडा स्ट्रेट खड़ा हो गया और इस तरह उन्होंने पैक को रोटेटिंग मैग्नेट में डेमो दिया। और इस आइडिया के साथ टेस्ला ब्रांड और माउन ने उन्होंने एक कंपनी खोली। उन्होंने 89 लेबोरेटरी स्टेट में अपनी लेबोरेटरी खोली और पैक के साथ में बराबर तीनों का शेयर हुआ, जो उन्होंने अपने एसी डायनेमो मोटर कम्यूनिटर और पावर ट्रांसफॉर्मेशन और कई और इन्वेंशन के लिए किए थे। तब टेस्ला अपने करियर पर पीक पर थे। 15 साल तक वो लगातार कई अमेजिंग चीज़ें बनाते रहे और कई पैटर्न्स अपने नाम किए। वो दिन रात काम में डूबे रहते और उन्होंने एसी के फेज 2 फेज 3 कंप्लीट किया और 4 फेज और 6 फेज के लिए ट्राई किया। फिर उनके फ्रेंड उनसे मिलने न्यूयॉर्क आए तो उसके असिस्टेंट बन गए। टेस्ला एक डिजाइनर थे, ब्राउन टेक्निकल एक्सपर्ट उनके असिस्टेंट, और ये तीनों मिलकर के उनका फर्स्ट एसी इंडक्शन मैन्युफैक्चर किया। और इस दौरान पैक फंड जमा करने के लिए बैंकर्स और इन्वेस्टर को ढूंढ रहे थे। टीसी मार्टिन इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू के कारण उनका लैब व्यू किया तो उनका परफेक्शन देकर के वो इस बार भी बहुत इम्प्रेस थे। मार्टिन ने टेस्ला को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीशियन यानी कि AIE में लेक्चर देने के लिए कन्विंस कर लिया था। मई 1888 यानी कि 1888 टेस्ला ने अ न्यू अल्टरनेटिव करेंट मोटर पर अपनी स्पीच दी और रातों रात फेमस हो गए। उन्होंने अनाउंस किया कि एसी सिस्टम बिना शॉर्ट सर्किट के काम करता है। इलेक्ट्रिक पोज के बाद इंटरवल को डिटरमाइन करने के लिए मैथमेटिक इक्वेशन की जाती है। उनकी एफिशिएंट एसी इंटरडक्शन से एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कई मील दूर ट्रांसमिट किया जाता है। ऐसा पहली बार होता है जब इलेक्ट्रिसिटी को लाइटनिंग के अलावा होम अप्लायंसेस और मशीन के लिए भी यूज़ किया जाता है। टेस्ला के सिस्टम को एक्सपर्ट्स ने भी साबित किया, प्रूव किया। उनके फेमस लेक्चर्स ने उन्हें जॉर्ज जैसे बिजनेसमैन भी इंप्रेस थे। वेस्टिंग हाउस का एक बहुत बड़ी कंपनी थी, वो खुद एक टैलेंटेड इंजीनियर और बिजनेसमैन को रखते थे। वेस्टिंग हाउस ने अपनी कंपनी की सेल्स सिर्फ एक साल के अंदर चौगुनी कर दी थी। वो कुछ टाइम से एसी इंडक्शन मोटर ढूंढ रहे थे। उनके पास में कुछ प्रोस्पेक्ट तो थे लेकिन वो उतने सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, तो वेस्टिंग हाउस ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को लेबर्टी स्टेट टेस्ला लैब भेजा। उन्होंने कुछ स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट किया। बाद में टेस्ला के परफेक्शन और उनके इंडक्शन मोटर के ग्रेट पोटेंशियल ने उन्हें कन्वेंस कर लिया था, लेकिन उन्हें जल्द ही कोई डिसीजन लेना था इससे पहले कि कोई और इन्वेस्टर
टेस्ला के इसी पेटेंट को अपने अंडर ले लेता। तो आगे बात करते हैं जर्नी में इंडक्शन एट प्रिट्सबर्ग की, यानी कि जुलाई 88 में टेस्ला फाइनली वेस्टिंग हाउस में मिले। उनके बीच एग्रीमेंट हुआ कि टेस्ला को $5,000 कैश हर 6 महीने तक के लिए, 20,000 के नोट्स और पर वाट $2.50 पेटेंट रियलिटी के लिए मिलेगा। और अगर टेस्ला 1 साल तक वेस्टिंग हाउस में अपने पेटेंट्स देते हैं तो उन्हें $5,000 मिलेगा। दूसरे साल में उन्हें $10,000 और उसके बाद $15,000 मिलेगा। टेस्ला ने डिसाइड कर लिया था कि वो कंसल्टेंट के तौर पर पिट्सबर्ग जाएंगे और उन्होंने एसी को डेवलप करने के लिए वेस्टिंग हाउस के साथ एक इंजीनियरिंग टीम बनाई। उसके लिए उसने कोई फीस नहीं ली बल्कि रॉयल्टी पे लिए। लेकिन उन्होंने होटल में रहे 1 साल तक क्योंकि बिजनेस में काफ़ी कंपटीशन आ चुका था। थॉमस एडिसन अभी भी डीसी यूज कर रहे थे, हालांकि एक डिस्टेंस से पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकता और ना ही कम्यूटेटर के बदले चल सकता था। और ऊपर से मार्केट में बने रहने के लिए टेस्टिंग हाउस टेस्ला और एसी मोटर के खिलाफ बैड पब्लिसिटी स्टार्ट कर दी थी। तो एचपी ब्राउन नाम के एक इंजीनियर और एडिसन के दोस्त थे। ब्राउन के कई कलीग्स के साथ डीसी प्रोजेक्ट में काम करते हुए करंट लगने से डेथ हो गई थी, इसीलिए ब्राउन अपने एक्सपेरिमेंट में एनिमल्स यूज करना चाहते थे। एडिसन ने अपने मेनलो पार्क में ब्राउन का वेलकम किया। ब्राउन ने इलेक्ट्रॉनिक चेयर बनाई और उसे $1,600 पर पीस के हिसाब से बेच दिया। उन्होंने डॉग्स के एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्हें खूब टॉर्चर किया था। 300 वॉल्ट में डॉग डर के मारे भौंकने लगता था, 700 में डॉग खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करता और 1000 वॉल्ट में डॉग्स की बॉडी दर्द से तड़प उठती थी। ब्राउन फिर एसी में शिफ्ट करते थे और सिर्फ 300 वॉल्ट में ही बेचारे कुत्ते की डेथ हो जाती थी। विलियम कैमरेट नाम का एक गैंगस्टर अपने कैपिटल पनिशमेंट में अपने इलेक्ट्रॉनिक चेयर के लिए टेस्ट केस बन गया था, जिसने कुल्हाड़ी से अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया था। एग्जीक्यूशन वाले दिन जब उसे चेयर पर बैठा दिया गया तो उसके मुंह से झाग निकला और उसकी बॉडी बहुत जोर जोर से झीलने लगी। देखने वाले हैरान हो गए थे कि ब्राउन ने इलेक्ट्रॉनिक चेयर पर एसी यूज किया था। एडिसन ने कैमरिन का केस यूज करते हुए एसी कंडेंट के लिए 24 डॉग्स को टॉर्चर किया और बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि ये वेस्टिंग हाउस की टेक्नोलॉजी है जिससे कि दर्दनाक मौत होती है। उनकी स्टेटमेंट की वजह से वेस्टिंग हाउस की रेपुटेशन के साथ साथ उनके स्टॉक और सेल्स भी डाउन हो गए। तो अब वेस्टिंग हाउस का बिजनेस ठप पड़ गया था। उन्होंने टेस्ला से एग्रीमेंट में $2.50 रॉयल्टी हटाने के लिए पूछा। तो टेस्ला इस शर्त पर मान गए कि उसके एसी इंडक्शन मोटर पर डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगा। लेकिन वेस्टिंग हाउस का हालत काफ़ी खराब चल रही थी। उनके इन्वेस्टर उनके कंपनी के प्रेसिडेंट पोस्ट से हटाने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने टेस्ला से कहा कि वो अपने उनके ऑपरेशन को अब सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आखिरकार एसी इंडक्शन मोटर का काम रोक दिया गया, फिर टेस्ला वापस चले गए। खुद उनके इंजीनियरिंग के साथ प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि वो एसी को ज़्यादा कॉम्पिटेबल बनाने के लिए लो फ्रिक्वेंसी सजेस्ट कर रहे थे। पिट्सबर्ग ने उनके असिस्टेंट चार्ल्स गॉर्स को छोड़ करके उनका कोई दोस्त नहीं था। और 2 साल तक खाली बैठने के बाद वेस्टिंग हाउस के इंजीनियर्स फिर से एक बार टेस्ला का एसी ऑपरेशन का हाथ में लिया। वो काम में उनमें से बेंजामिन लंबे थे, जो क्लेम करते थे कि लो फ्रिक्वेंसी उनका आइडिया था। कुछ रीडर समझते हैं कि लेमन एक इंजीनियर है जिन्होंने वेस्टिंग हाउस की एफिशिएंसी मशीन बनाई थी, लेकिन ये सच नहीं है। उस टाइम पे बहुत से इंजीनियर्स अपने एसी मोटर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिर्फ टेस्ला को ही सक्सेस मिली। पूरे यूरोप और अमेरिका के इंजीनियर्स ने उनका ही मैकेनिज्म कॉपी किया था। इसके आगे बढ़ते और बात करते हैं साउथ रेवेन्यू, यानी कि टेस्ला के लाइफ में कई और एक्साइटमेंट चीजें होने जा रही थी। 1899 यानी कि 1899 में उन्होंने न्यूयॉर्क में अपनी लेबोरेटरी खोली। ये जगह साउथ 5th एवेन्यू में थी, जिसे वेस्ट ब्रॉडवे के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 6th स्टोरी बिल्डिंग का पूरा 4th फ्लोर ले रखा था और वो खुद एक स्टार होटल में शिफ्ट हो गए थे, जो कि उनका नया रेसिडेंट था। अब वो एक जीनियस इन्वेंटर माने जाते थे, न्यू एलिट सोसाइटी के मेंबर। वो सर्बिया और क्रोएशिया में पॉपुलर हो चुके थे। उनके कंट्रीमैन उन पर बहुत प्राउड फील करते थे और पैसे भेजते थे उनके लिए। पिट्सबर्ग से वापस आने के बाद उन्होंने कई और प्रोजेक्ट पर काम किया था। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और लाइट के बारे में भी स्टडीज किए। उन्होंने एसी मशीन्स बनाए जो कि डीसी को एसी में ट्रांसफॉर्म करती थी और एसी में डीसी को। उन्होंने हाई फ्रिक्वेंसी और हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए टूल्स भी बनाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन का आइडिया एक्सप्लोर किया था, जैसा कि उनकी आदत थी। टेस्ला
बिरला 24/7 काम करते थे। वो होटल सिर्फ सावर लेने के लिए और जरूरी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए जाते थे। उनके पार्टनर्स पैक और ब्राउन लेबर्टी स्प्रिट की लैब में ही रहते थे। ज़्यादातर टेस्ला के लिए काम करना पसंद करते थे या फिर कभी कभी अपने दो असिस्टेंट की हेल्प करते थे। उन्हें लेट नाइट काम करना बहुत पसंद था क्योंकि उस टाइम उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। 1890 में टेस्ला अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट बने। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड मैगजीन के फुल पेज पर उनकी पिक्चर छपी। अपने जैसे कई और इंटेलेक्चुअल से भी उनकी फ्रेंडशिप थी। और इसी के साथ आगे बात करें द रॉयल सोसाइटी की, तो 1891 यानी कि 1891 में टेस्ला अपने मैकेनिकल और ऑसिलेटर को ब्रिटेन किया। ये एक मल्टीपर्पज मशीन थी। ये करंट को एक स्मूथ और लगातार तरीके से जनरेट करती थी। टेस्ला के ऑसिलेटर में कई मिलियन वोल्ट्स जनरेट होने की कैपेसिटी थी और इसकी फ्रिक्वेंसी में मन मुताबिक चेंज लाया जा सकता था। टेस्ला के इलेक्ट्रॉनिक से डिस्कवरी करने के विचित्र साइंटिस्ट जे थॉमस से भी फ्रेंडशिप थी। टेस्ला ने एक कंडेंसर, एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर और इन कंडेंसिंग फ्लाइट के टूल्स भी पेटेंट किए। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्पीच देने के लिए वो लंदन भी गए। टेस्ला के लेक्चर का टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स विद अल्टरनेट करंट्स ऑफ हाई पोटेंशियल्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी। इस स्पीच को कई जाने माने लोग में सुना है कि जिनमें से जे थॉमस भी थे। तो सब लोगों ने ये सब सुना, इन्हें आइडियल एक्सप्रेशन बोले। ये एनर्जी मैकेनिकल लाइट, हीट और यहाँ तक कि केमिकल एनर्जी किसी का भी फॉर्म ले सकती है, तो टेस्ला अपने ऑडियंस को बता रहे थे। फिर वो अपने टेस्ला कॉइन पर आ गए। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी किसी थंडर बोर्ड की तरह निकल रही थी। वो कई देर तक अपने लोगों को अपने मैजिक ट्रिक दिखाते रहे। टेस्ला एनर्जी के वायर में काम कर रहे थे। उनके वहाँ बिना किसी वायरिंग के ही लैंप जल उठे। उन्होंने डिफरेंट कलर की फॉस्फोरेसेंट लाइट भी डिस्प्ले की। उसके बाद टेस्ला ने कनेक्टेड वायर उठाया, अपने दूसरे हाथों से ग्लास ट्यूब पकड़ा था। टेस्ला के टच करते ही ग्लास ट्यूब जलने लगा। वायर की इलेक्ट्रिसिटी ने उनकी बॉडी से होते हुए उनके हाथ के ग्लास ट्यूब को जला दिया था। तो उन्होंने ऐसे कई और अमेजिंग एक्सपेरिमेंट दिखा करके लोगों को इम्प्रेस किया था। टेस्ला ने ये कहते हुए अपना लेक्चर ख़त्म किया कि वायरलेस कम्युनिकेशन में उनका काम जल्दी ही पूरा होने वाला है, जिसके बाद लोग अटलांटिक के पार कभी कभी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उनकी इन्वेंशन के लिए मोर्स कोड या ब्लिंक के लिए ट्रांसफ़र करके अमेरिका से यूरोप पहुंचा सकेंगे। टेस्ला ने फिर ये सोचा कि रॉयल वहाँ परिवार में जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ था वो उन सब के लिए एकदम नया था, तो उनकी ऑडियंस उनके साथ कुछ और वक्त बिताना चाहती थी। इसीलिए टेस्ला ने एक सप्लीमेंट को एक लेक्चर ऐड कर दिया। ऑडियंस में से कुछ लोगों ने पूछा कि वो अपने बॉडी को करंट इतना कैसे झेलते हैं, तो टेस्ला ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने करंट की फ्रिक्वेंसी ही इंक्रीज की है, ना कि पावर या एप्टीट्यूड। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने अपनी मशीन को कुछ 10,000 वोल्ट पर सेट किया। एक हाथ से वायर को टच किया और दूसरे में दो फ्लूरोसेंट ट्यूब पकड़ी। ट्यूब में भी लाइट जलने लगी। जैसा कि हम देख सकते हैं मैं जिंदा हूँ, टेस्ला ने कहा। किसी ने पूछा कि आपको पेन हो रहा है, तो टेस्ला ने कहा कि उन्हें अपने हाथों में स्पार्क फील हो रहा है। कभी इससे ज़्यादा स्किन जल या छिल जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो अगर अपने हाथ में कुछ छोटा कंडक्टर पकड़ ले तो ये भी नहीं होगा। लंदन में उस लेक्चर के बाद टेस्ला अपने एरिया में गए और वहाँ पे उसके फ्रेंड्स ने बहुत तारीफ की। वहाँ वो कुछ अपने इंपॉर्टेंट लोगों से मिले, जैसे कि प्रिंस। टेस्ला ने अपने घर कुर्जिस्टा में जब गए तो वो उनके मदर की डेथ हो गई थी, वो जाना पड़ा। वो अपने सिस्टर और अंकल के यहाँ जाना पड़ा। उन्होंने जागरण यूनिवर्सिटी में लेक्चर किया और फिर वो वेलग्रेड बन गए। वेलग्रेड सोफिया में वो यंग पर्सन से मिले। उन्हें ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर एंड सेट ने इस टाइटल से नवाजा गया। जर्नी को अगर थोड़ा आगे बढ़ाते और बात करते तो फादर ऑफ द वायरलेस, यानी कि यहाँ पे गार्डन उन्हीं दिनों बना था। उसके पास एक होटल गेडलास टेस्ला का नया ठिकाना था। गेडलास में एक एलिवेटर लगा था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग लगी थी और ग्रैंड डाइनिंग रूम था। हर रोज़ टेस्ला अपने होटल से साउथ अपने लेबोरेटरी तक पैदल जाया करते थे। उन्हें रॉयल सोसाइटी का ग्रेट ऑफिशियल मेंबर बनाया गया था और अब तक वो सेलिब्रिटी भी बन चुकी थी। वो जहाँ भी जाती थी लोग उन्हें पहचान लेते थे। एक दिन ग्रेट जॉर्ज वेस्टिंग हाउस मिलने आए। वो टेस्ला से एक ही सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे।
और उन्होंने टेस्ला को कोलंबियन एक्सपोजिशन के बारे में भी बताया। वेस्टिंग हाउस को उस पूरे इवेंट का लाइटनिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। उन्होंने टेस्ला से रिक्वेस्ट की कि वो इस अरेंजमेंट को सेट करने में हेल्प कर दे, और वो वेस्टिंग हाउस अभी भी एसी सिस्टम को लेकर के डाउट में थी, लेकिन टेस्ला ने उन्हें अश्वेयर किया कि एसी परफेक्टली ज़्यादा एफिशिएंसी काम करता है, चाहे इसमें ब्रूसेस या कम्युनिकेटर ना लगे हो तब भी। टेस्ला ने फिर एक बार वेस्टिंग हाउस के इंजीनियरिंग स्कॉट और लेमी के साथ में मिलकर के टीम बनाई। उन्होंने वेस्टिंग हाउस के लिए न्यू मशीन क्रिएट करने में हेल्प की थी, जिसमें से एक लास्ट एनिमल भी शामिल था। बदले में इंजीनियरिंग उनके साथ मिलकर के टेस्ला का एक एग्जिबिट बिल्ड किया, जिसमें वेस्टिंग हाउस का बैनर लगा था। टेस्ला को कंपनी के साथ में फिर से काम करके अच्छा लग रहा था। कॉम्पिटिटर्स अपनी रॉयल्टी दिए बिना कहीं टेस्ला की कंपनी उसको वर्क को यूज़ ना करे, इसलिए जज ने वेस्टिंग हाउस में एसी का क्वालिफाइंग सोर्स डिक्लेयर कर लिया। उसने अनाउंस किया कि उसकी कंपनी के पास टेस्ला के एसी इन्वेंशन को रिप्रेजेंट और सेल करने का एक्सक्लूसिव राइट है। उसने अपना इंटेंशन भी एक्सप्लेन किया कि वो अपने टेस्ला के अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को हार्नेस करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। वेस्टिंग हाउस के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में ये बात छा गई। इनफैक्ट बाद आने वाले टाइम में वो सेंटर बना, और ये सब टेस्ला के इन्वेंशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। थॉमस एडिसन ने भी नायग्रा के लिए बिट लगाए थे, लेकिन उनकी डीसी से चलने वाली वाटर रेस बिना किसी नज़दीकी पावर सोर्स के नहीं चल सकती थी। नायग्रा फॉल्स पर आज भी टेस्ला का स्टैच्यू लगा है। और इस बड़े अचीवमेंट के साथ में जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ते और बात करते हैं लूज एंड्स। जी हाँ, एक यंग इंजीनियर ने टेस्ला को वायरलेस कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लिए हरा दिया था। 1899 यानी कि 1899 ने इटालियन इन्वेंटर गुगली एल मार्कोलो ने लेटर एस को मोस्ट कोड में डॉट टू डॉट के रूप में ट्रांसफर करके दिखाया था, जो लाइफ मार्किन ने अपने डिवाइस के लिए डिवाइस से स्टार्ट की थी। उसने पूरे अमेरिका और यूरोप को रोशन कर दिया था। टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड थे। उन्होंने अपना गोल बना लिया था कि वो ना सिर्फ अटलांटिक और पूरी दुनिया में वायरलेस कम्युनिकेशन ला करके ही रहेंगे। जाने माने बैंकर जेपी मॉर्गन की मदद से उन्होंने लॉन्ग आइलैंड में वॉर्डन क्लिप टावर खड़ा कर दिया था। ये आज के सेलफोन टावर से मिलता जुलता है। टेस्ला ने वॉर्डन क्लिप टावर पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, और इस चक्कर में उनकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे का लॉस हुआ। मार्कोनी के सक्सेस के बाद टेस्ला ने अपने जेपी मॉर्गन का सपोर्ट भी खो दिया था। टेस्ला अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक सक्सेस नहीं मिल पाई थी। ऐसा कहा जाता है कि टेस्ला को इस वजह से नर्वस ब्रेकडाउन भी हुआ था। तो अपने बुढ़ापे में टेस्ला अपने रोज पार्क में जाकर के कबूतर को दाना खिलाया करते थे। कई बार तो उन्हें ये बर्ड्स उनके होटल रूम के विंडो तक आ जाती थी। खासकर वो एक बड़े सफ़ेद कबूतर के लिए दीवाने थे, जिनका पंखों का किनारा ब्राउन कलर का था। उन्हें ये कबूतर कितना प्यारा लगता था, जैसे कोई आदमी को उनको कोई औरत। लेकिन उनके रियल लाइफ में कभी कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं रही, उनके बच्चे भी नहीं थे। टेस्ला कहते थे कि सेक्सुअल डिजायर ना होने की वजह से वो अपने शायद काम में फोकस कर पाए। जब वो कबूतर मरा तो उन्हें लगा कि उनकी लाइफ से कोई चला गया है, और उन्हें पता चल गया था कि उनकी लाइफ का मकसद अब पूरा हो चुका है। और वाकई में कुछ महीनों बाद निकोला टेस्ला की डेथ हो गई, और वो 86 साल के थे तब। एक आदमी को उनके बॉडी होटल के रूम में मिली। एग्जामिनर ने बताया कि उनकी मौत कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से हुई थी, जो कि हार्ट में ब्लड क्लॉट की वजह से हुआ था। उनकी डेथ की वजह से फर्स्ट लेडी एलेनर रूजवेल्ट ने लिखा था कि प्रेसिडेंट और मैं निकोला टेस्ला की मौत से बहुत दुखी है। उन्होंने साइंस इंडस्ट्री और इस कंट्री के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन किया, उसे हम कभी भी भुला नहीं सकते। करीब 2000 लोगों ने टेस्ला की फ्यूनरल सर्विस अटेंड की थी। लेकिन ये जर्नी यहीं ख़त्म नहीं हुई। आगे बात करते हैं द विजर्स लेगेसी। 1956 यानी कि 1956 में टेस्ला ने अपने 100 टेक एनिवर्सरी के लिए सेलिब्रेशन रखा था, जो नोवेल लॉरेट ने उन्होंने एक स्पीच का हाईलाइट थी। वो एक गैनिस फिजिशियन थे जिन्होंने क्वांटम मैग्नेटिज्म को डिस्कवर किया था। यूगोस्लाविया ने पोस्टल का एक कॉमेमोरेटिव टेस्ला स्टैम्प रिलीज किया था। इसके अलावा वहां के गवर्नमेंट ने टेस्ला की फ़ोटो अपने 100 डिनार के बिल पर भी रखी। वियना और जैग्रेब ने टेस्ला का स्टैचू लगाया गया। इलिनॉइस में भी टेस्ला के नाम पर एक स्कूल है। म्यूनिक में मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इंटेंसिटी का यूनिक
नाम टेस्ला है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी ने अप्रूव किया था। तो 1976 यानी कि 1976 में नायग्रा फॉल्स पर टेस्ला स्टैचू लगाया गया, जिसे यूगोस्लाविया ने गिफ्ट किया था। सेम इसी तरीके से यही स्टैचू एक विलेज स्क्वायर पर भी लगाया गया, जहाँ पर टेस्ला पैदा हुए थे और उनका बचपन गुजरा। इतना ही नहीं कि बोस्टन के म्यूजियम ऑफ साइंस में एक बड़ा टेस्ला फॉइल डिस्प्ले में रखा हुआ है। न्यूयॉर्क पर टेस्ला मेमोरियल सोसाइटी और इंटरनेशनल टेस्ला सोसाइटी बनाई गई। टेस्ला के राख एक गोल्ड प्लेटेड राउंड शेप के अर्न में रखी गई और इसे बेलग्रेड सर्बिया में निकोला टेस्ला म्यूजियम में डिस्प्ले में रखा गया। तो इन्हीं सारे बातों के साथ अगर इस समरी के कंक्लूजन की बात करें, तो हमने इस बुक समरी में निकोला टेस्ला के बारे में जाना, अल्टरनेटिव करंट और मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन बारे में भी जाना। हमने उसमें थॉमस एडिसन, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, डायरेक्ट करंट और मैकेनिकल हॉस्पिटल के बारे में भी जाना। हमने इस बुक्स में हमको एग ऑफ कोलंबल और वायरलेस कम्युनिकेशंस की भी इंफॉर्मेशन मिली थोड़ी बहुत। तो ऐसा क्या था कि टेस्ला एक के बाद एक इलेक्ट्रिकल टूल्स बनाने में रात दिन लगे रहते थे। वो कहते थे कि उनका अल्टीमेट गोल है कि वो ह्यूमंस के लिए फिजिकल लेबर कम करना चाहते हैं, ताकि वो ज़्यादा बाकी फोकस क्रिएटिव चीज़ों में लगा सके। वो हमको बेसिक टास्क के बोझ से बचाना चाहते थे, ताकि हम लोग इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ पाए। हम अपने इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ क्या करते हैं, या हम खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, तो अगली बार जब हम वॉशिंग मशीन या एलिवेटर यूज़ करें, तो हम अपने आप से पूछें, क्या हम टेस्ला का विजन पूरा कर सकते हैं? क्या हमारा स्पेयर टाइम और एनर्जी कुछ क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल या मीनिंगफुल बनाने के लिए वाकई कर रहे हैं? निकोला टेस्ला शायद यही उम्मीद करते हुए ये दुनिया से चले गए होंगे। तो चलिए इस ब्रिलियंट इन्वेंटर को शर्मिंदा ना करें, जिन्होंने हमें एफिशिएंसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने बेसिक नीड्स की भी परवाह नहीं की। उस टैलेंटेड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को हम सलाम करते हैं, जिनकी वजह से आज हमारी लाइफ ज़्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल है। तो चलिए आज हम खुद से ये प्रॉमिस करते हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि क्रिएटिव हो, जो हमें ज़िंदगी में पीछे नहीं बल्कि आगे ले जाए। हम टेस्ला जैसे ग्रेट लोगों के शुक्रगुजार हैं, जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी बेटर और हायर पर्पस को अचीव कर सकते हैं। तो इसी के ये समरी यहीं ख़त्म होती है। आपको कुछ अगर सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। थैंक यू।